हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को अपने फ़ोन से कैसे पेयर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर जाना है। और जैसे ही आप ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो सबसे पहले आप इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद अपना ब्लूटूथ ईयरफोन को ऑन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये ऑन हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो मेरे पास ये ब्लूटूथ ईयरफोन यूबोन का है, तो यहाँ पर भी यूबोन का शो हो जाएगा। अगर शो नहीं होता है तो रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और आपका ये शो हो जाएगा। ये देखिए शो हो गया है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेयर का ऑप्शन आएगा, तो इस पेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपका ये पेयर हो जाएगा ब्लूटूथ ईयरफोन। ये आप देख सकते हैं पेयर हो गया है, यानी कि कनेक्ट हो गया। उसमें 90% चार्जिंग भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को पेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।